वेलकम टू प्रोजेक्टर्स ब्लॉग। मैं प्रोजेक्टा, आप सभी का प्रोजेक्टर्स ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं MGZ SPG का डिटेल रिव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करने वाले हैं इसका बैकग्राउंड, फिर देखेंगे अंदर के फीचर्स। काफ़ी बड़े अंदर के फीचर्स है, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। एंड चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरे सामने MG की ZSAV और ये है इसकी की, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में बात करें तो हमें टाटा की टिगोर मिल जाती है, फिर आती है नेक्सॉन, फिर आती है कोना और अब आ गई है MG की ZSAV। और ZSAV की जो प्राइस है वो 30 लाख है। प्राइस के हिसाब से बात करें तो इस गाड़ी में मुझे लगता है कि एटलीस्ट 7 सीटर ये कार तो होनी चाहिए थी, लेकिन ये 5 सीटर दी गई है। ये आ गया इसका फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट प्रोफाइल के साथ ही साथ पहले देख लेते हैं इसकी की। इसकी की है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर दिया है लॉक का अनलॉक का बूट के लिए और पीछे दिया गया है हमारा MG का लोगो। ये है हमारे सामने के हेडलैम्प्स और ये जो है ये पूरे LED हेडलैम्प्स दिए हैं। DRL इसमें अलग दिए हैं और ये हमारे दिए हैं टर्न इंडिकेटर्स। DRL और टर्न इंडिकेटर्स अलग से मिलते हैं, एक ही में नहीं है। और ये जो है इसके शार्प एजेस हमें दिखाई दे रहे हैं सामने से। सामने का लुक जो है ये मुझे काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है। मैं जब छोटी थी, जब कार्टून्स देखती थी, तब कार्टून में कुछ इस तरीके से ही गाड़ी थी तो वो मुझे बहुत पसंद आती थी। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये सामने का ये जो प्रोफाइल है ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और ये जो है ये हमारा चार्जिंग का पोर्ट हमें यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर AC और DC दोनों हमें चार्जिंग के सॉकेट्स मिलते हैं। और ये हमारा MG का लोगो है ग्रिल पर। ये हमारा सामने का फ्रंट कैमरा दिया है, 360 कैमरा यहाँ पर हमें मिलता है। और यहाँ पर ऐड की है क्रोम की स्ट्रिप, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर हमें वेंट्स दिए हैं। इसका लुक देख लीजिए। EV कार है इसकी, इसको टक्कर देने वाली है कोना। इसका साइड प्रोफाइल देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक की बैचिंग है, रेन सेंसिंग वाइपर एंड वॉशर दिए हैं, अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अलॉय व्हील्स के साथ ही साथ यहाँ पर बीच में हमें MG का लोगो मिलता है। और ये जो है ये प्लास्टिक की कैप है, अगर इसको हम ओपन करेंगे तो अंदर हमें अलॉयज दिखाई देंगे। कॉस्ट के बारे में बात करें तो हमें 5 टायर अलॉय के ही मिलते हैं। अब आगे चलते हैं। ये आ गए हमारे ORVM। ORVM पर भी हमें कैमरा मिलता है विथ टर्न इंडिकेटर्स। एंड इसका साइड प्रोफाइल देखिए, ऊपर हमारे रूफ रेल्स आ गए। बॉडी कलर के ही हमारे डोर हैंडल्स है, लेकिन यहाँ पर क्रोम का टच दिया है, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर पीछे के लुक के बारे में बात करें तो हेडलैम्प्स आते हैं हमारे पीछे विथ इंडिकेटर्स। एंड यहाँ पर जो है एस्टर से ये जो लोगो है ये थोड़ा सा छोटा कर दिया है, बीच में आ गया हमारा क्रोम के साथ ये लोगो। यहाँ पर ZSAV की बैचिंग दिखाई देंगी। यहाँ पर नीचे हमारे स्किड प्लेट हैं। यहाँ पर हमें पार्किंग सेंसर से जो कि 3 दिए हैं, 1, 2 और 3। काफ़ी बढ़िया लग रहा है पीछे से भी इसका लुक, लेकिन ये 7 सीटर होनी चाहिए थी। यहाँ पर आ गया हमारा पीछे आ गया हमारा वाइपर, हाई माउंटेड स्टॉक लैंप। एंड ये जो है ये एंटीना जो है इसका शेप छोटा कर दिया है, लेकिन ठीक है। और बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, वो भी एस्टर से कम कर दी है। अब करते हैं इसका बूट ओपन। इसका बूट ओपन करने के लिए जो हमें फॉक्सवैगन में करते हैं उसी तरीके से हमें ऊपर करके बूट ओपन करना पड़ता है। ये होगा इसका बूट ओपन। यहाँ पर हमें मिलता है पार्सल ट्रे। पार्सल ट्रे काफ़ी बढ़िया दिया है, काफ़ी बड़ा है, स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है। एंड आ गए अंदर, आ गया हमारा ये लाइट। यहाँ पर नीचे दिया है हमारा स्पेयर व्हील, ये भी अलॉयज का ही हमें मिलता है। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर भी हमें पीछे भी एक कैमरा मिलता है। अब चलते हैं आगे। इसका साइड व्यू देख लीजिए आप, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब चलते हैं पैसेंजर डोर की तरफ। इसके डोर देखिए, वाइडली तो ओपन नहीं हो रहे हैं 90 डिग्री तक, लेकिन ठीक है। और यहाँ पर आ गया ये लॉकर अनलॉक का, जो सिल्वर टच में हमें मिलता है। ये भी हमें सिल्वर टच में दिया है। ये प्लास्टिक है, रफ प्लास्टिक। ये लेदर का आ गया, ये पूरा लेदर दिया है। और यहाँ पर आ गया पावर विंडो का बटन, यहाँ पर हैंडल और यहाँ पर नीचे कुछ स्पेस। अंदर का इंटीरियर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये भी हमें लेदर के ही मिलते हैं सीट्स। अंदर बैठ कर देखते हैं।
अब मैं आ गई हूँ अंदर। अंदर के बारे में बात करें तो काफ़ी स्पेस दिया है अंदर, एंड लेग रूम काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मैंने जितने भी कार आज तक देखी है उससे मुझे इसका लेग रूम जो है काफ़ी अच्छा दिया है, मतलब काफ़ी बढ़िया लेग रूम मिलता है हमें, काफ़ी स्पेस मिलता है। यहाँ पर हमारे दो इसी के वेंट्स आ गए। यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट है, दो सी टाइप का भी है, और ये लेदर के पूरे सीट्स है जो ब्लैक टच में दिए हैं। और एक चीज़ मुझे लगती है, यहाँ पर वाइट सीट अगर देते थे तो काफ़ी बढ़िया लगता था, क्योंकि अंदर का जो इंटीरियर है वो वाइट में काफ़ी बढ़िया लगता है। और ये जो है हमारे हेडरेस्ट दिए हैं, और ये बीच बीच में भी दिया है, और ये दो हेडरेस्ट, ये तो एडजस्टेबल है। और यहाँ पर हमारा बीच में आ गया ये आर्मरेस्ट, यहाँ पर हमारे दो कप होल्डर, ये वो कर दिया क्लोज। थ्री लोग यहाँ पर काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर हमें सीट बेल्ट तो दिए ही है, तीन सेट बेल्ट्स मिलते हैं हमें, एक दो और यहाँ पर तीन। सेफ्टी के बारे में काफ़ी बढ़िया है ये। एंड अगेन डोर की बात करें तो यहाँ पर दिया हमारा सिल्वर टच, यहाँ पर नीचे आ गया हमारा हैंडल पकड़ने के लिए, पावर विंडो का बटन, हमारे स्पीकर्स हैं, एंड नीचे दिया है हमारा कुछ स्टोरेज। वहाँ पर हमें मिलता है ग्रैब हैंडल। अगेन एक चीज़ अच्छी लगी वो देखिए, वहाँ पर एक छोटी सी हमें विंडो दी है जो ट्रायंगल शेप में हमें मिलती है, काफ़ी बढ़िया लग रही है, वो हमारा ग्रैब हैंडल है। एंड बड़ा सा सनरूफ है जो दो रो तक कवर होता है, आप देख लीजिए पीछे से सामने का डैशबोर्ड, बढ़िया तो है ही इसका। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या दिया है हमें आगे। ये बात मुझे बढ़िया लगी, यहाँ पर दिया हमारे लेदर का टच, ये आ गया ड्राइवर साइड का डोर, यहाँ पर दिया है अगेन सिल्वर टच लॉक और अनलॉक के लिए, ये भी सिल्वर टच दिया है, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, दिखाई भी काफ़ी अच्छा दे रहा है। ये आ गया हमारा अगेन लेदर का टच, पावर विंडो रिलेटेड कंट्रोलर सेंट्रल लॉकिंग, एंड ये आ गया हमारा हैंडल, यहाँ पर आ गया हमारा बॉटल होल्डर एंड कुछ स्पेस, यहाँ पर दी हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन। ये है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हमारा ड्राइवर सीट हमें मिलता है, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, एंड काफ़ी अच्छा दिया है ये, जो हमें XUV 700 में भी दिया है सेम इसी तरीके से। और अब चलते हैं अंदर। कुछ अलग शेप के एसी के वेंट्स हमें मिलते हैं यहाँ पर, ये हमारे स्टेयरिंग व्हील, डी टाइप में स्टेयरिंग व्हील हमें मिलती है लेदर रैप। यहाँ पर आ गए हमारे ऑडियो के रिलेटेड कंट्रोलर्स, MG का लोगो जो हमें दिया है राउंड शेप में, ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, ये अगेन यहाँ पर सिल्वर टच दिया है। ये आ गए हमारे क्लस्टर रिलेटेड कंट्रोलर्स, काफ़ी बढ़िया दिया है, ये भी दो एसी के वेंट्स है यहाँ पर दिए हैं दो, यहाँ पर कुछ कंट्रोलर्स हैं, वहाँ पर नीचे दी है चार्जिंग सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग भी हमें अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ पर मिलता है ये हमारा तीन मोड, हमने कर दिया हमारी गाड़ी चालू, तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि कितनी चार्जिंग है कार की, तो 24% कार की चार्जिंग हमें दिखाई दे रही है। और ये देखिए क्लिक किया तो कुछ ऐसा आ जाएगा, और देखते हैं हम 360 व्यू इसका कैसा है। बैटरी इज लो, प्लीज चार्ज इट इन टाइम। ओके, बैटरी लो है ये कह रहे हैं हमें। टच रिस्पांस काफ़ी बढ़िया है, और भी बेहतर हो सकता था प्राइस के हिसाब से बात करें तो। यहाँ पर दिया है हमारे बटन्स, वॉल्यूम के लिए है, ये कार काफ़ी एडवांस है। यहाँ पर हमें हाई MG का ऑप्शन दिया है, रेडियो है, एप्पल कार प्ले है, एंड्रॉयड ऑटो है, जियो सावन का ऐप है, हमें जो 3 साल फ्री नेट कनेक्टिविटी मिलती है जहाँ से हम अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं वो भी फ्री में। और यहाँ पर मोर में भी काफ़ी सेटिंग है, देन व्हीकल सेटिंग है, BT फोन का सेटिंग है, इनबॉक्स है, आईकॉल है, फोल्डर है, ये सारे सेटिंग के फीचर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर नीचे दिया है वायरलेस चार्जिंग का पोर्ट, ये आ गए हमारे नॉब, ये जो नॉब है यहाँ पर 3 नॉब हमें मिलते हैं स्पोर्ट, इको एंड सिटी मोड के लिए।
और R एन डी, R है रिवर्स, N है न्यूट्रल और D है ड्राइव का मोड। और यहाँ पर की दिए हैं मोड्स के, प्रेस के रिलेटेड कंट्रोलर्स, यहाँ पर बैटरी का है एंड मोड है बाकी। ये हमारा दिया है आर्मरेस्ट, ये काफ़ी मुझे बढ़िया लगा, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है ये आर्मरेस्ट। इसको मैं बंद कर देती हूँ, अगर ओपन करना है कुछ भी रखना है तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। ये हमारे दो बटन्स दिए हैं और ये आर्मरेस्ट है, इसको भी मैं ओपन कर सकती हूँ, यहाँ पर भी कुछ स्टोर कर सकते हैं हम। एंड सीट भी काफ़ी अच्छा है, लेदर के सीट हमें मिलते हैं। यहाँ का स्पेस भी काफ़ी बढ़िया दिया है लेग रूम। ग्लव बॉक्स खोलकर देखते हैं, नॉर्मल साइज़ का ही ग्लव बॉक्स दिखाई दे रहा है। वो एसी का वेंट है जो काफ़ी अलग दिखा मुझे इस कार में। और यहाँ पर आ गया हमारा वैनिटी मिरर, ये आ गया हमारा IRVM, ये है हमारे सनरूफ के बटन्स, यहाँ से हम सनरूफ ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं सनरूफ यहाँ से। ये है हमारा SOS और यहाँ पर कुछ कंट्रोलर्स दिए हैं हमारे पैसेंजर के लिए, एयर बैग है, यहाँ पर बटन दिए हैं वो उसके। और ये है हमारा ऑटो डिमिंग IRVM, इसके जो कंट्रोलर्स है वो सारे, मतलब आधे से भी ज़्यादा कंट्रोलर्स हम इस टच स्क्रीन में ही मिलते हैं, बटन काफ़ी कम दिए हैं इसमें, रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। अब हम देखते हैं सनरूफ इसका ओपन करके, यहाँ पर हमें हाई MG का ऑप्शन दिया है, IMG, ये जो IMG है इसको कैसे ऑपरेट करते हैं अब देखते हैं। मैं इसको प्रेस करती हूँ। यस हे MG, खुल जा सिम सिम। अब देखिए हमारा सनरूफ ओपन हो रहा है, मैंने इसको खुल जा सिम सिम का कमांड दिया था, काफी बढ़िया लगा ये मुझे। अब कर देते हैं इसको क्लोज। और हमें हीटेड OVRVM मिलते हैं। तो गाइस कैसे लगी ZS EV? बढ़िया तो होंगी ही, इलेक्ट्रिक है, लेकिन प्राइस के बारे में देखा जाए तो आप टाटा का ऑप्शन ले सकते हैं। एंड आपको ये कार कैसे लगी ये मुझे बताइए, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।